हाँ मैं हूँ शशांक बीएचयू से, और मैं आज आप लोगों को सिपाही की माँ चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव से, ओके। तो प्रथम प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नामवर सिंह, उदय प्रकाश। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिश्नी किस एकांकी की पात्रा है? ऑप्शन है पैर तले की जमीन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, सिपाही की माँ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिपाही की माँ। अगला प्रश्न है, मानक की माँ का क्या नाम है? कुंती, मुन्नी, बिश्नी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है? अगला प्रश्न है, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है? ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल युद्ध, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा द्वितीय विश्व युद्ध। मैं आपको बताया भी था बच्चों कि द्वितीय विश्व युद्ध का हुआ था 1939 से 45 के बीच में, उसी के युद्ध में ये गए थे। कहाँ गए थे लड़ने? बर्मा गए थे। मैं आपको बताया भी हूँ जब चेक पार्ट वन वाले वीडियो में, ये पार्ट टू है, आप लोग पार्ट वन देख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माँ बेटी। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सारिका। अगला प्रश्न है, मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो इसका उत्तर होगा चिट्ठी के लिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? चिट्ठी के लिए, ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? कौन जाती है? तो बिश्नी, 12 वर्ष की लड़की, कुंती, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 12 वर्ष की लड़की मुन्नी। अगला प्रश्न है, मानक बिश्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक बिश्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? ऑप्शन है पानी, चाय, खाना, इनमें से कुछ नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पानी। अब अगला प्रश्न है, हाँ, मानक बिश्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? ये तो हो ही गया अभी। हाँ, तो उसके बाद का जो प्रश्न है, ईसाई लड़कियां बिश्नी के घर आकर क्या मांगती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चावल और दाल। जो ईसाई लड़कियां नहीं आई थी, जो वहाँ से शरणार्थी के रूप में आई थी, बर्मा में जो युद्ध हो रहा था, तो वहाँ से 2 लड़कियाँ आई थी। मैं चैप्टर पढ़ा रहा था पार्ट वन वाले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा। हाँ, अगला प्रश्न है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ईसाई लड़की ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इसका ऑप्शन है इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का एक दिन, दरियाई घोड़ा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दरियाई घोड़ा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? ऑप्शन है रसातल यात्रा, सुखमय जीवन, ना आने वाला कल, हारे को हरी नाम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ना आने वाला कल। अगला प्रश्न है, किसकी माँ पागल हो गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिपाही की। जो सिपाही एक आया था ना एकांकी में, सिपाही और इसके बीच में जो संवाद हो रहा था मानक के बीच में, जो उसका घर आ गया था घुस करके मारने के लिए उसको, तो वही सिपाही कह रहा था कि हमारी माँ पागल हो गई है अब एकदम, तो उसी के बारे में। अगला प्रश्न है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बिश्नी की पड़ोसिन कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुंती। अगला प्रश्न है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, मंगलवार को। ये मुन्नी बार बार कहती भी है इस बात को कि भैया का चिट्ठी मंगल को आएगा, मंगलवार को आएगा। अगला प्रश्न है, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा? तो इस बात को कौन कहता है? मानक, सिपाही, दीनू और चौधरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिपाही। अगला प्रश्न, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तारों के। अब अगला प्रश्न है, किस पाठ में यह उद्धरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो भी भागेंगे उसे गोली मार दी जाती है। इसका मतलब किस पाठ में आया है? तो इसका सही उत्तर होगा सिपाही की माँ।
मैं बताया भी हूँ जैसा जब चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा था। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन सी। अब हम लोग चलते हैं अगले, अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8 जनवरी 1925 को। अब अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो इसका सही उत्तर है जानवर और जानवर, जानवर और जानवर मोहन राकेश की रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, इतिहास और आलोचना इनका नहीं है, मोहन राकेश की रचना नहीं है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अंडे के छिलके तथा अनेकांकी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। सिपाही की माँ एक एकांकी है जो किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अंडे के छिलके तथा अनेकांकी। ये मोहन राकेश की ही एकांकी संग्रह है, उसी से ये सिपाही की माँ लिया गया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिश्नी। अब अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो इसका सही उत्तर, सिपाही की माँ की एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बर्मा में। अब अगला प्रश्न है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिपाही की माँ। अब अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिशन देई। अब अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पड़ोसिन। कुंती कौन है? एक पड़ोसिन है। अब अगला प्रश्न है, हाँ इसका रवेश जया होता है, इसका मतलब कौन है? ऑप्शन सी, मोटी सूत की बुनी चादर, समझ गए ना। अब अगला प्रश्न है, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तारों के। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर, मैं अभी ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बिश्नी, अब प्रथम प्रश्न है सब्जेक्टिव में, बिश्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकिये की राह क्यों देखती है? तो इसका उत्तर है, बिश्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को अपने सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। वे डाकिये की राह चिट्ठी के लिए देखती है क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। माँ और बेटी उसी चिट्ठी की आस लगाए बैठी है, समझे? मतलब प्रश्न देखिए कितना अच्छा है और आप लोग इसका उत्तर भी अच्छे से देना है ना। तो बिश्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकिये की राह क्यों देखती है? पहले आप प्रश्न अच्छे समझिएगा तभी आप उत्तर अच्छे दे पाइएगा। तो इसको अपने बेटे की प्रतीक्षा, एक मुन्नी को अपने भाई की प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह इसलिए देखता है कि उसका बेटा कुछ चिट्ठी उट्ठी भेजा होगा, समझ गए ना। हाँ, अब अगला प्रश्न है, बिश्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? बिश्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, ठीक है। तो इस प्रश्न को पहले आपको समझना कि प्रश्न का भावार्थ क्या है, मतलब ये प्रश्न किस लिए कहा गया है और किस तरह का प्रश्न है। बिश्नी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है? क्योंकि उसको अपनी बेटी का विवाह करना था, समझ गए ना। तब इसको अच्छे से मैं पढ़ता हूँ, तो कुछ पैसा उसे कमाने के लिए भेजा था। मुन्नी के विवाह की चिंता के कारण बिश्नी मानव को लड़ाई में भेजती है क्योंकि बिश्नी के घर की हालत बहुत खराब है, मानक के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है। वैसे भी जिस समाज में बिना दहेज के बिना पैसे के शादी न हो वह समाज कलुष गंदा है, समझ रहे ना इस बात को। क्यों बिश्नी क्यों वहाँ जा रही है? बिश्नी अपना बेटा को क्यों भेजा था कमाने? क्योंकि उसको एकलौता वही बेटा था, उसका घर में कमाने वाला एकमात्र वही था, उसमें बेटी का फिर ब्याह करना था, घर की भी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए वो भेजी थी। अगला प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या करें, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। अब इसको अच्छा से व्याख्या करना। प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित सिपाही की माँ से ली गई। बिश्नी का पुत्र मानक सेना में सिपाही है। बर्मा में अंग्रेज और जापान के बीच युद्ध चल रहा है। बिश्नी प्रतिदिन मानक की चिट्ठी का इंतजार करती है। इधर मुन्नी की विवाह की चिंता भी उसे सताए जा रही है।
इसी चिंता के क्रम में बिश्नी एक दिन स्वप्न देखती है कि उसका बेटा मानक फौजी ड्रेस में घायल अवस्था में उसके पास आया है। वह उसे अपने गोद में बिठा लेती है। मानक ने उसे बताया कि उसका एक दुश्मन सिपाही पीछा कर रहा है। थोड़ी देर में वो सिपाही वहाँ पहुँच जाता है। दोनों एक दूसरे को मारना चाहता है। बिश्नी उस सिपाही से मानक को नहीं मारने की विनती करती है। जो एक आया था ना, एक सिपाही आया था इसके घर में घुसने के लिए, वो सपना देख रही थी इस तरह से अपना बेटा के बारे में। दुश्मन फौजी को मालूम होता कि बिश्नी मानक की माँ है। इतने में मानक उठकर दुश्मन को मारना चाहता है। इस प्रकार बिश्नी बोलती है कि नहीं मानक, तू इसे नहीं मार सकता, क्योंकि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है। कितनी मार्मिक बात है। इसके घर में बच्चा होने वाला है, यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। समझ रहे हैं इस बात को? देखिए, ये सारा क्वेश्चन को आपको रटना नहीं बच्चों, इसको एकदम समझ लेना है। अगर आप नहीं देखें मेरा पार्ट वन वाली वीडियो, उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से मैं समझाया हूँ। आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सब क्वेश्चन का आंसर अपनी भाषा में लिख सकते हैं अगर आप समझ गए कहानी। तब हिंदी में क्या है, बस कहानी समझना है। कहानी समझ गए मेन तो ऑटोमेटिक आप आंसर कर जाएंगे। हाँ, अब अगला उत्तर है, अगला प्रश्न है, बर घर देखकर ही क्या करना है कुंती? मानक आए तो कुछ हो, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। अभी देखिए इसका उत्तर है, प्रस्तुत में मोहन राकेश द्वारा रचित सिपाही की माँ से ली गई है। मुन्नी की उम्र शादी के योग हो गई है। एक दिन बिश्नी की पड़ोसन कुंती उसके घर जाती है और मुन्नी की शादी की बातचीत करती है और कहती है कि मुन्नी बिटिया अब सयानी हो गई है, अच्छा सा घर बर देख कर शादी कर दो। इस पर बिश्नी कहती है कि बर घर देखकर ही क्या करना है, मानक तो घर पर है ही नहीं, वो आए तो सब कुछ होगा। वैसे भी आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं, था जब तक मानक नहीं आएगा तब तक इसकी शादी कैसे होगी? लड़के वाले तो पैसे की मांग करते हैं। देखिए, वो इसकी जो पड़ोसी है ना कुंती, वही आई और कह रही कि अपना बिटिया के लिए भी कहीं हर बार ढूंढो, मतलब लड़का उड़का ढूंढो। तो ये कहती है कि हम लड़का देखने से क्या फ़ायदा, पैसा का इतना डिमांडे हो रहा है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते, उतना पैसा हमारे पास है भी नहीं। ऐसे सब काम बेटा संभालेगा, बेटा आएगा कमा करके कुछ करेगा, है ना? अरे हम लोग को भी घरों में इसी तरह की कहानी होती है ना, जो साधारण परिवार हैं। अगला प्रश्न है, नहीं फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, यह पूछा जा सकता है। प्रसून भक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित सिपाही की माँ से ली गई है। बिश्नी मुन्नी और कुंती आपस में बैठकर बातचीत कर रही। इस बीच में दो नौजवान लड़कियाँ भिक्षा मांगने के लिए बिश्नी के सामने आ जाती है। बातचीत करते करते पता चलता है कि दोनों लड़कियाँ बर्मा में होने वाली लड़ाई से जान बचाकर आई है। मानक भी बर्मा की लड़ाई में एक फौजी है। तर्क वितर्क में लड़कियाँ यह बताना चाहती है कि बर्मा में कोई फौजी भाग कर नहीं आ सकता और कहती है नहीं फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागता उसे गोली मार दी जाती है। वो लड़कियां जो आई थी ना, जो ईसाई लड़कियां थी, बर्मा से आई थी भाग करके, मतलब भाग करके आई थी, मतलब वहां से उनको युद्ध हो रहा था तो आ गई अपने बचाव के लिए। तो वही सब कही कि वहां से कोई भी सिपाही छोड़ करके नहीं भाग सकता, जो भी भागे उसको गोली मार दिया जाएगा। अब अगला प्रश्न है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे चारों बेतारों और बंतों के कड़े से भी अच्छे होंगे ना? मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते उसका परिचय आप अपने शब्दों में दीजिए। देखिए, ये जो प्रश्न है ना बच्चों, इसको आप लोग अपने भाषा में समझ लीजिएगा। मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, पर ये उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, तो जो महत्वपूर्ण है उस पर मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ? मैं अब अगले प्रश्न पर ध्यान देता हूँ। बिश्नी मानक की माँ है, पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा प्रश्न है। कैसे? हाँ, इसका उत्तर इस एकांकी के शीर्षक यह स्पष्ट होता है कि बिश्नी केवल मानक की माँ नहीं बल्कि वह हर सिपाही की माँ है। उसे अपने पुत्र मानक की चिंता है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे के पुत्र का भी उतना ही ख्याल रखती है। स्वप्न में आए मानक और उसके फौजी दुश्मन दोनों से बिश्नी आग्रह करती है कोई किसी को न मारे। आप जान नहीं रहे कहानी, उसमें कितना कहती है अपना बेटा को, ये बिश्नी की बेटा उस सिपाही को मत मारो, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, उसके भी घर में परिवार विवार हैं, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी बीवी हैं, उसकी भी माँ है, मत मारो उसे। माँ की ममता तो अथाह सागर है जिसका कोई अंत ही नहीं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि बिश्नी के मातृत्व में किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताएं। इसका उत्तर है, एकांकी में चरित्र पूर्णतः विकसित रूप में दिखाया जाता है, जबकि नाटक में किसी भी पात्र एवं चरित्र का क्रम सब विकास दिखाया जाता है। समझ रहे हैं ना?
ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं इसको बताया भी था पार्ट वन वाले वीडियो में। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? एकांकी में चरित्र पूर्णतः विकसित रूप में दिखाया जाता है, जबकि नाटक में किसी भी पात्र एवं चरित्र का क्रमशः विकास दिखाया जाता है। नाटक में क्रमशः विकास दिखाया जाता है, पर एकांकी में तुरंत विकास हो जाता है, मतलब तुरंत चीज़ें बड़ी हो जाती है, बड़े फलक पे आ जाती है एकांकी में, पर नाटक में धीरे धीरे वो चीज़ें कहानी खुलती है, समझ रहे हैं ना। एकांकी में केवल एक ही अंक होते हैं, जबकि नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं। दोनों बात को आप ध्यान रखिएगा, इसमें दो बात आई है। अब अगला प्रश्न है, आपके विचार से इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है और क्यों? हमारे विचार से इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र बिश्नी है, यह बात एकांकी शीर्षक से भी स्पष्ट होता है। इस एकांकी में बिश्नी ने समाज को अच्छा संदेश देती है एक सच्चे देशभक्त की माँ होने का। साथ ही साथ बिश्नी विषम परिस्थितियों में भी लड़ने का संदेश देती है। वो गरीबी की स्थिति में अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर रही है। इस कलुष समाज, कलुष मतलब गंदा, इस कलुष समाज से उसका एक ही खेद है कि शादी के लिए दहेज लेना, समझ रहे ना, मतलब समाज से उसको बुरा लग रहा है कि जो दहेज लेना है। अब हम लोग गरीब हैं तो हम लोग के पास पैसा नहीं, तो दहेज हम लोग कहाँ से देंगे? अब जब तक दहेज नहीं देंगे बेटी की अच्छे घर में शादी नहीं हो सकती है, तो उसी पर इसको थोड़ा सा बुरा लगता है बिश्नी को, सिपाही मानक की माँ को, सिपाही की माँ को। बिश्नी दहेज की बातों से चिंता जताई है, जो इस समाज के लिए जागरूकता का संदेश है। उसमें मानक की तरह हर सिपाही की माँ बनने को ढूंढा जा सकता है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, दोनों लड़कियाँ कौन हैं? दोनों लड़कियाँ बर्मा के रंगून शहर की रहने वाली है। बर्मा और जापान में युद्ध शुरू हो चुकी है, वहाँ बहुत ही भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है। वे दोनों लड़कियाँ 13 दिन तक जंगली रास्तों में पैदल चलकर अपनी जान बचाने के लिए बिश्नी के गांव आई है। अब अगला प्रश्न है, कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कुंती बिश्नी की पड़ोसन है। कुंती उदार और व्यवहारिक प्रकृति की है। कुंती मानक युद्ध में चले जाने के बाद बिश्नी को संतोष देती है। वो मुन्नी की शादी के प्रति भी चिंता जता रही है। वो कहती है कि विसंदेही मुन्नी बिटिया, आप सयानी हो गई है, कोई अच्छा सा घर भर देखकर मुन्नी के हाथ पीले कर दो। बिश्नी कहती है, मानक को तो आने दो, वो आएगा तो अच्छा सा घर भर देखकर उसकी इसका ब्याह कर दूंगी, क्या पता अभी तो लड़ाई भी शुरू हो चुकी है बर्मा में। कुंती इस बात पर भी उसे सांत्वना देती है कि वो जरूर आएगा, घबराओ मत विसंदेही, दिल हल्का मत करो, वो आएगा। वो कुंती इसकी पड़ोसन है, वही उसको कुछ चीज़ें समझाती है, ढाढ़स देती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी का ब्याह होगा, कहो तो हम भी लड़का वड़का इधर उधर देख लें तुम्हारी बिटिया के लिए। तो वही कहती है कि नहीं, हम लड़का मत देखो, क्योंकि हमारा बेटा आएगा तो वही सब कुछ करेगा, क्योंकि दहेज वहेज भी तो देना पड़ता है। अब अगला प्रश्न है, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? इसका उत्तर है, मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था और दूसरी ओर की के पक्ष जापानी थी। सेना एक दूसरे का दुश्मन है, क्योंकि वे अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, मानक स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्तर है, मानक स्वयं को बहसी, बहसी मतलब होता है क्रूर, और जानवर से बढ़कर इसलिए कहता है क्योंकि मानक को उसके सामने उसके मुल्क का दुश्मन दिखाई दे रहा है, और वो उस दुश्मन को बेरहमी के साथ बुरी तरह से घायल कर दिया है और उसे मारना चाहता है। बिश्नी के मना करने पर भी मानक अपने आप को नहीं रोक पाता है, क्योंकि उसके अंदर सच्चे देशभक्त की भावना है। वो अपने सामने अपने मुल्क के दुश्मन को जीवित नहीं देख सकता है, तह अपने आप को बहसी और जानवर से भी बढ़कर कहता है। कहने का मतलब, उसके सामने एक दुश्मन आया, आप जान ही रहे हैं उस, और उसको नहीं चाहता कि इसको हम छोड़ दें, मतलब उसको लगता है इसको मार ही दें, क्योंकि एक सच्चा देशभक्त है। सच्चा देशभक्त के सामने वो कुछ भी हो जाए, पहले वो अपने देश को संभालेगा। देश कहने का मतलब है, वो दुश्मनों को पहले मारेगा, उसके बाद किसी का बात सुनता है वो, समझ रहे ना आप। अगर एक तरफ माँ है और एक तरफ पूरा देश है, तो वो अपने माँ का भी रक्षा नहीं कर सकता है, पहले देश का रक्षा करेगा वो, समझ रहे हैं ना। तो यही बात है, इसीलिए वो अपने जो दुश्मन उसका था उसको मार देना चाहता है। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न जाता, यह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है, कि आप इस कथन से सहमत हैं, अपना पक्ष दें? ये भी अच्छा प्रश्न है। ये सब प्रश्न आपको क्रिएटिव बनाता है, रचनात्मक बनाता है, अपने से उत्तर लिखने के लिए इसमें कह रहा है, तो अपने हिसाब से लिखेंगे, अपना पक्ष देंगे।
हम जानते हैं कि निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या होती है। निम्न मध्यम वर्गीय मतलब मध्यम वर्ग भी तीन तरह के होते हैं। तो उच्च मध्यम वर्गीय एक होता है, मध्यम वर्गीय एक होता है, निम्न मध्यम वर्गीय, समझ रहे। जिसका इनकम समझिए 10-10 हज़ार है तो सब निम्न मध्यम वर्गीय हुआ। जिसको 30-40 हज़ार अगर इनकम हो रहा है तो समझिए मध्यम वर्गीय है। जिसका 70-80 हज़ार अगर आ रहा है इनकम तो वो समझिए उच्च मध्यम वर्गीय है। और जिसका 1-1.5 लाख से ऊपर आ रहा है तो वो सब तो चले गए उच्च वर्ग में, वो सब चले जाते हैं बुद्धिजीवी वर्ग उन लोगों को कहा जाता है ना, पूंजीवादी लोग वो सब होते हैं। हाँ, तब समझते हैं। हम जानते हैं कि निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या होती है। वह मुनि के विवाह की चिंता के कारण ही युद्ध पर जाता है। जिस समाज में बिना दहेज के बिना पैसे के शादी न हो वह समाज कलुष है। हमें उस समाज से लड़ना चाहिए। इस सड़े हुए समाज को बदलने के लिए युद्ध के समान ही लड़ना होगा, तब जाकर इसका निदान होगा। इसलिए विवाह की चिंता लड़ाई से कम नहीं है। मतलब विवाह की जो चिंता है वो भी एक तरह की लड़ाई है, क्योंकि उसमें दहेज के लिए मुझे पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना पड़ता है, तभी जा करके बिटिया को, बहन को दहेज दिया जा सकता है। समझ रहे हैं इस बात को, आप समझते होंगे इस बात को। मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न हमारे सामने, सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है, कैसे स्पष्ट करें। जो सिपाही के घर की स्थिति है, वो जो दुश्मन था इसका मानक का, और मानक की जो घर की स्थिति है, दोनों की स्थिति भिन्न नहीं है, मतलब एक जैसी स्थिति है, तो कैसे एक जैसा, उसको स्पष्ट कीजिए। तो आप पढ़ें अगर डिटेल में तो ऑटोमेटिक आप इसका आंसर कर ले जाएंगे, अगर नहीं जानते हैं तो देखिए फिर से मेरा वीडियो पार्ट वन वाला, पूरी कहानी आप पहले समझ लीजिए, तब आपको उत्तर देना बहुत आसान हो जाएगा, उत्तर समझने में भी मज़ा लगेगा। समझ रहे हैं ना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप आराम से देख लीजिएगा पार्ट वन वाले वीडियो को। अब है उत्तर, सिपाही की घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार मानक की माँ आर्थिक समस्या से लड़ने के लिए मानक को लड़ाई में भेजी है, उसी प्रकार उस सिपाही की माँ भी उसे लड़ाई में भेजी है। वो सिपाही भी मानक की तरह गरीब आदमी है। जिस प्रकार मानक के लिए विष्णु व्याकुल रहती है, उसी प्रकार उस सिपाही के लिए उसकी माँ भी रो रो कर पागल हो गई है। इधर विष्णु की बहन मुनि व्याकुल, उधर सिपाही की पत्नी व्याकुल। इस प्रकार सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है। देखिए, इधर जो सिपाही के घर में भी उसकी पत्नी पागल हो गई है, उसकी माँ व्याकुल हो रही है, समझ रहे हैं ना। तो उसी तरीके से इसकी भी बहन को चिंता बहुत ज़्यादा है, और उसका एक बच्चा भी था, वो दुश्मन सिपाही का एक बच्चा भी था, वो भी पेट में ही था, समझ रहे। बहुत तरह दोनों की स्थिति भिन्न है, दोनों गरीब आदमी ही है, बस किसी तरह से पैसा कमाने के लिए सिपाही के रूप में लड़ने गया है बर्मा दोनों, समझ गए। यही बात है। अब मेरा प्रश्नोत्तरी का सत्र अब समाप्त होता है। मैं अब अगले चैप्टर को नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा, और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।